बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। माता श्री वैष्णो देवी के लिए हम लोग निकले हैं और ये दिल्ली से ट्रेन है श्री शक्ति एक्सप्रेस जो पहुंची है कटरा। सुबह 6 बजे पहुंच जाती है, रात शाम 7 बजे वहां से है। और आगे मैं दिखाऊंगा, ये कटरा स्टेशन है, आगे मैं आप सभी को दिखाऊंगा। यहाँ आने से पहले सेकेंड डोज ले लें या फिर RT-PCR करा लें, वरना ये देखिए इस लाइन में यहाँ पर कोविड टेस्ट कराना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये सेकेंड डोज और RT-PCR निगेटिव टेस्ट वाले जा रहे हैं, इनको टाइम नहीं लगेगा और ये इसमें टाइम लगेगा, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे इस लाइन में लगना पड़ेगा। है मेरे पास, ये है कटरा स्टेशन, माता वैष्णो देवी कटरा। ये स्टेशन काफी बड़ा है और पूरा खुला खुला है, काफी अच्छा स्टेशन। स्टेशन में ऊपर में आपको रूम भी मिल जाएगा, ऑनलाइन बुक होता है वो रूम, और कैफेटेरिया है, खाने भी आपको मिल जाएंगे, बाथरूम वगैरह भी सब साफ है यहाँ पे। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हैं, ज़्यादा लोग भी हैं तो भी दो दो तीन तीन करके ऑटो ले करके आप, ये स्टेशन रोड है, आप स्टेशन रोड में आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारा होटल है जो आपको हर रेंज में होटल मिल जाएगा। तो ये स्टेशन रोड है और सुबह में आप पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो नाश्ता करके आप निकल सकते हैं। और ये देखिए नज़ारा, और साथ में हमारे रोहन। घोड़े आपको अंदर वहाँ पर मिलेंगे और घोड़ा का जो है 1250 रुपये एक तरफ से आपको पड़ेगा भवन तक, अर्ध कुमारी तक 650, और ये गवर्नमेंट रेट है और ये पर्ची कटती है, तो यहाँ पर आपको घोड़े वाले से बात करके खुद जाकर के पर्ची कटाना होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। और आप यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे माता के दर्शन के लिए। ये गुलशन कुमार का है और वहाँ पर जो है लंगर भी लगता है हमेशा। गुलशन कुमार तो आपको जानते होंगे, टी सीरीज के जो मालिक थे। यहाँ से हम लोग निकले हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम लोग अर्धकुंवारी से आगे निकल चुके हैं, चलो अर्धकुंवारी से हम लोग निकल चुके हैं भवन की ओर। ऊपर में जो है वहाँ भवन बोलते हैं, और ऊपर में पहुँच के दिखाऊंगा। भैरव स्थान जाने के लिए नया वो चालू हुआ है, एक रोप वे जिसमें 40 लोग एक साथ बैठते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वहाँ पे टिकट कटता है, ऑनलाइन उसका कुछ नहीं है। और यात्रा पर्ची भी हमने ऑनलाइन बनाया था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से, तो आप वो करके भीड़ से बच सकते हैं। ये नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। सांझी छत नीचे से आप आ सकते हैं हेलीकॉप्टर, वहाँ से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। 3750 रुपया है अप डाउन दोनों का, आपको पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा। ये जल्दी घोड़ा वाला जहाँ तक लेके आते हैं, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 किलोमीटर है शायद, कंफर्म तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ जाना है हमें, तो शायद 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे, जा करके वहाँ नहाएंगे धोएंगे
और उसके बाद फिर वहाँ पे क्लॉक रूम में सब कुछ सारा चीज जमा करेंगे, फिर जाएंगे दर्शन करेंगे, दर्शन करके निकल के क्लॉक रूम से वापस सारा सामान ले करके फिर खाना नाश्ता करके फिर हम लोग भैरव बाबा के लिए यहाँ से निकलेंगे। रोपवे है यहाँ पे, इससे पहले बार मैं आया था 2014 में तो वो नहीं था, अब वो है तो पता करना होगा क्या प्रोसीजर है उसका। और हमारे साथ के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप में आने में ही ठीक है कि सभी लोग के साथ हैं। ये मंदिर जाने के टाइम में मिलता है भेंट शॉप, यहाँ पे भेंट शॉप पर आपको प्रसाद मिल जाता है। ये सरकारी है, ये संस्था की तरफ से है, तो प्रसाद आप कहीं दूसरे जगह ना लगे, यहीं लें। ये नवरात्रि के टाइम ही ऐसा सजावट आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा अगर आपको ये फूलों का आनंद उठाना है और यहाँ पर जो सुगंध इस समय मिल रहा है तो इसके लिए आपको दशहरा पूजा में ही विजिट करना होगा। चलिए चलिए बढ़ते रहिए, यहाँ पर अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट भी है खाना खाने के लिए। ये शाम के टाइम का है, रात के टाइम का, अभी शाम के 7 बजे है और सुबह में मैं आया था और शाम को मैं बैक हो गया। आप घोड़े से जाएंगे तो सेम डे जाकर के आ सकते हैं, 2 घंटे में आप जाएंगे, 2 घंटे में आप आएंगे। तो ये रात का नजारा, रात में थोड़ा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, रात के टाइम में थोड़ा भीड़ आपको मिल सकता है। वैसे आप सुबह में किसी भी ट्रेन से आइए और फ्रेश होकर के होटल ले लीजिए, फ्रेश होकर के और आप चले आइए शाम में 10 बजे तक यहाँ आइए, 10 से 12 आप पहुँच जाएंगे ऊपर दर्शन करके, फिर शाम में 5-7 बजे तक आप वापस आ सकते हैं।